ओके, जैसे सिनफिक स्टूडियो स्टार्ट किया तो कल हमने ऐसे ही कुछ लर्न किया था। सबसे पहले देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैनल डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो टूल बॉक्स में जाना है, फाइल पैनल एंड रिसेट विंडोज टू ओरिजिनल लेआउट। आपको ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैनल डिस्प्ले नहीं हो रही है तो विच स्टेप वी फॉलो, फर्स्ट ऑफ ऑल टूल बॉक्स पर आपको क्लिक नहीं करना है। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। जूमिंग अप कर दीजिए कैनवास की तरह, अच्छी तरह ऑब्जर्व करना एक एक। कल हमने ग्रेडियंट यूज किया था राइट, जिसे पहले कलर सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे भी है, डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से भी कलर आपको डिस्प्ले हो जाएगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ से भी आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, इनकेस यहाँ से कलर आपको प्रॉपर नहीं मिलता तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, उसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि यहाँ से ही करना है। ओके, तो आपके अपने हिसाब से आपको भी कलर सिलेक्ट कर लो। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद अभी देखना मैं ग्रेडियंट यूज करता हूँ, जैसे ग्रेडियंट यूज करता हूँ इसके लिए वर्टिकल बार के अंदर फोर ऑप्शन है, लीनियर, रेडियर, कॉनिकल एंड स्पाइरल। लीनियर सिंपल सिंगल लाइन में अवेलेबल है, रेडियल होगा वो कैसे होगा, रेडियल एक सर्कल मतलब अंदर से डार्क या तो फिर यस लाइट। ओके, तो रेडियल के अंदर भी ये ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद दूसरा भी यहाँ पे ऑप्शन है कॉनिकल, बीच में से कौन जैसी इफेक्ट है, स्पाइरल, स्पाइरल का भी उसके जैसे ही इफेक्ट अवेलेबल है। अभी यहाँ पे हमको थोड़ा और भी लर्न करना है, जैसे मैं अभी कॉनिकल कॉनिकल की हम ट्राई करते हैं। चलिए तो देखो इसकी इफेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सिंपल किया एक कॉन जैसी इफेक्ट आ रही है, सेंटर में डार्क, यहाँ पे देखो ऐसे ये नॉर्मल इफेक्ट की तरह इफेक्ट है। अभी हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे एक डॉल जैसा कुछ ड्रो करना ट्राई करते हैं, डांसिंग डॉल जैसे प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर, आउटलाइनिंग निकाल दो। यहाँ पे फाइव पॉइंट है, फाइव पॉइंट मीन स्टार के अंदर भी वेराइटी है। देखो मैं स्टार ड्रो करता हूँ ना, उसका पॉइंट देखना आप, ये फाइव पॉइंट है ना, आपको एक्स्ट्रा करना है 30, तो देखना अभी। ओके, तो ये सबकी वैरायटी है, मैं यहाँ पे ओनली फॉर टू करना चाहता हूँ तो टू के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो एक्चुअली हम अभी के लिए फाइव रख देते हैं, और जितने भी सर आप ड्रॉ करोगे स्टार उसका सबका लेयर बनता है। ओके, यहाँ पे इरेजर नहीं है तो मैंने आपको कल ही इन्फॉर्म किया था, आपको डिलीट यूज करना पड़ेगा। ओके, मैं स्टार का यूज करके एक ड्रॉइंग करना स्टार्ट करता हूँ, डांसिंग डॉल जैसे हम इफेक्ट ला रहे हैं। ओके, आप लोग सर ऐसा थोड़ी होता है, पर आप देखते जाइए तो समझ में आते जाएगा। ये उसका हैंडल है, इसको घुमाने के लिए, स्टार का पोजीशन लेने के लिए। ओके, ये जो उसका आउटर रेडियस है, ओके अभी देखना है यहाँ पे पोजीशन ले लेते हैं। ओके, बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या है, आपने आउटलाइनिंग नहीं लिखा है, तो ये स्टार जैसा इफेक्ट किया, देखिए ये सिंपल स्टार, इसमें इतनी डक दिखाई देगी, बट उसकी जगह पे मैं जब स्टार ड्रॉ करता हूं और स्टार ड्रॉ करने के बाद आउटलाइनिंग पे क्लिक कर देता हूं,
एडवांस आउटलाइनिंग पे क्लिक कर देता हूँ, दिख रहा, तो आपको लुक वाइज तो ऐसे ही दिखेगा, बट डिफरेंट क्या है वो क्लैरिफाई कर लेना। देखो पर आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो लॉट्स ऑफ स्टार के डक दिखाई दे रहे हैं, तो पहले ये अवेलेबल नहीं था। और आउटलाइनिंग भी यहाँ पे है, जो देखो एडवांस आउटलाइनिंग क्लिक करोगे देखो बॉर्डर दिख रही है, मैं राइट क्लिक कर देता हूँ डिलीट, तो देखो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर भी एक आउटलाइनिंग है। देखो यहाँ पे लेके जाओगे तो दिखाई देगा आउटलाइनिंग, इसका भी कोई काम नहीं है, राइट क्लिक डिलीट। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल जैसा था ऐसे ही स्टार हो गया। ओके तो यहाँ पे ये सब इफेक्ट है उसकी, अगेन एक स्टार उसके जैसा ड्रॉ करने की ट्राई कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन का यूज करता हूँ, देखो पॉलीगॉन और बी लाइन के अंदर क्या डिफरेंट है। तो ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट है, जैसे आप स्टडी करते जाओगे जैसे आपको समझ में आने लगेगा। मैं अभी पॉलीगॉन का ओके सेव कर देते हैं, सबसे पहले नंबर 2_2.sizz डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ। मैं अभी इसको यहाँ पे ले लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर इफेक्ट दिखेगा। ओके मैं सिलेक्ट करता हूँ बी लाइन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 समझ में आ गया होगा यहाँ पे मैं कैसे ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा फनी होगा, अच्छा लगेगा। राइट क्लिक करके यहाँ पे लूप टू बी लाइन करना है, जहां स्टार्टिंग किया ना वहां पे एंडिंग करना कंपलसरी है। देखो आप वो सर ये ऐसा क्या है, आप जब इसके ऊपर सिलेक्ट करोगे तब उसके हिसाब से अरेंज कर सकते हो। तो ये जो प्रैक्टिकल मैं आपको समझा रहा हूँ बस ओनली फॉर आपको, जब हम प्रेजेंट हो गए जब फेस टू फेस, तो आपको ओनली फॉर परफॉर्म करने का बाकी रहेगा उसके जैसा काम है। आप लोग सर ऐसे थोड़ा कुछ होता है, डोंट वरी। अभी हम सर्कल का यूज करते हैं, सर्कल में फेदर निकाल देते हैं। कल हमने यहाँ पे थोड़ा फेदर किया था, फेदर जीरो कर देते हैं, सिंपल फेस जैसा वाइट ब्यूटी का फेस कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, सर्कल यहाँ पे है और पॉलीगन, तो इसको मैं टॉप पे ले जाता हूँ। आपको अभी दिख रहा है थोड़ा सा फनी, कार्टून जैसा दिखेगा, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ओके इसके बाद यहाँ पे और भी क्लैरिफाई करते हैं, एक एक आईज है। ओके वो सब हम देखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर कैसे परफॉर्मेंस है और कैसे ये सब क्लैरिफाई करना है। ओके नेक्स्ट देखिए, स्मॉल आइस ड्रॉ करने के लिए स्टार यूज करते हैं और ब्लू आइस बना देते हैं। अभी एक यहां से एक नया एक आपको ऑप्शन दिखाता हूं। देखो तो ये स्टार के अंदर इतने सारे आउटलाइनिंग है, एक्चुअली ये सब हमारे लिए कोई काम की नहीं, ओनली फॉर हमको तो स्टार ही चाहिए डिलीट। बट यहाँ पे देखो यहाँ पे एक स्टार है पर उसका आइस दिखाई नहीं दे रहा है, उसका रीजन क्या, स्टार ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको हम उप टॉप पे ले जाते हैं। देखो दिखाई दिया, अभी सेम टू सेम हमको स्टार ऐसे ही लाना है, तो राइट क्लिक करके मैं उसका कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ, या कॉपी भी कर सकता हूँ, एग्जेक्ट डुप्लीकेट बनाऊंगा ना तो डुप्लीकेट बन जाएगा। देखो यहाँ पे और इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं यहां से, सेंटर डक ये है, सेव करते जाइए।
अभी मैं नोज बनाने के लिए वापस पॉलीगन का यूज करता हूँ, येलो कलर का रख देते हैं, थोड़ा फनी तो हमको बनाना ही है, नो अदर ऑप्शन। अभी देखो आप बोलोगे सर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, एक्चुअली वो ड्रॉ हो चुका है। देखो ये ड्रॉ तो हो चुका है पर उसको टॉप पे ले जाना पड़ेगा क्योंकि लेयर इनविजिबल है। जब भी कोई ड्राइंग करते हो ना तो ड्राइंग के अंदर ये सब लेयर का इंपॉर्टेंट है, पूरा एक चैप्टर है हमारे लिए। तो ये सब का सर्कल को डक को मैं यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ, छोटे छोटे एक्टिविटी जैसा काम है, पर ये एक बार आप स्कूल के अंदर परफॉर्म कर लोगे बस। अभी देखो मैं बी लाइन का यूज करता हूँ और बी लाइन के लिए हम थोड़ा सा 1, 2, 3, 4 एंड 5 राइट क्लिक लूप टू बी लाइन। देखो अभी आप बोलोगे सर यहाँ कुछ नहीं है, उसको भी मैं टॉप पे लेके जाना पड़ेगा तभी वो शेप दिखेगा। और यहां से मैं कर्व शेप कर देता हूं जिसे हमने बर्ड ड्रॉ किया था, दिख रहा है थोड़ा सा फेस ऐसे के जैसा। अभी आप लोग सर ऐसा यस ये सब उसके जैसे ही यूज किया हुआ है। अभी देखो हम थोड़ा सा पेंसिल का यूज कर लेते हैं, ब्लैक कलर के हेयर के लिए कर देते हैं। सर अगर किसी चीज की ब्लैक आउटलाइनिंग करनी हो तो? हाँ तो आपको ब्लैक आउटलाइनिंग करने के लिए आपको जब सर्कल ड्रॉ करते हो ना तभी आपको ये सब डिसाइड कर लेना होता है। मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा फनी है पर चले, बस मैं आपको टूल्स समझा रहा हूँ। ये सब का यूज करके आप क्या एनिमेशन डिजाइन कर सकते हो, कैसे ये सब क्लैरिफाई करना है, अदरवाइज ये आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से होगा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके अभी यहाँ पे कंट्रोल जेड अप्लाई नहीं होता वापस, वो एक ध्यान रखना है जो भी आपने। हाँ बट उसका यूज करना हो तो यहाँ पे एक हिस्ट्री लेयर है, यहाँ पे हिस्ट्री को आप क्लियर कर सकते हो, अंडू री अंडू कर सकते हो, पर ये इफेक्ट पेंसिल के ऊपर नहीं होती है, एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेंसिल है ना एक अलग से ही पूरा एक लेयर है। ओके अभी आप बोल रहे हैं सर आउटलाइनिंग चाहिए, तो जब भी आप ड्रॉ करते हो ना तो सर्कल के यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्टिकल पैनल में, तो उसको आप क्लियर कर दो, देखो तो आउटलाइनिंग आ जाएगा। आ गया, तो ये आउटलाइनिंग के लिए यहाँ पे आप बोलोगे सर छोटा सा आउटलाइनिंग चाहिए, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डार्क कर दो और आउटलाइनिंग कर दो। ये सब यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, पर यहाँ पे इरेजर नहीं है तो जो भी आप शेप बनाना चाहते हो तो सोच समझ के बनाना पड़ेगा। ओके आपको ओनली फॉर ये सर्कल चाहिए तो ये सर्कल देखो आप जैसे बोलना चाहते हो मैं ऐसा करवा सकता हूँ, पर इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्या होगा वो क्लैरिफाई कर। देखो मैं डील करूंगा ना तो ये आउटलाइनिंग रहेगी, ये सेम टू सेम मैं यहाँ पे यूज तो कर सकता हूँ, इसका सेंटर डक यहाँ उसके दो पूरा फेस के ऊपर ये आ जाएगा। ओके तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से थोड़ा सा टॉप पे ले जाओ और ऐसे बनाना पड़ेगा, और ये दोनों को शेप को देखो, ये शेप को यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा, ये मुझको खींच के थोड़ा यहाँ पे लेना पड़ेगा। एक्चुअली ये बैकग्राउंड में सर्कल का सर्कल जैसे ही था, ये दिखाई नहीं दे रहे तब तक वो चलेगा। हो गया, तो ऐसे कुछ क्रिएटिविटी आपको अपने हिसाब से दिमाग लड़ा के, शेप तो लिमिटेड ही है पर आपको अपने हिसाब से यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा, इसके बाद ही ये सब करवा सकते हो। ओके ये मैंने कर लिया, इसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए वापस स्क्वायर रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं, या भी कुछ भी पॉइंट क्लैरिफाई करना हो तो कर सकते हैं, जैसे सर्कल घुमा देते हैं, यहाँ पे हम सर्कल जैसे ब्लैक कलर का रख देते हैं। ओके फनीसो के अंदर प्रॉब्लम क्या होगा, ये यहाँ पे आउटलाइनिंग की कोई रिक्वायरमेंट देखो, तो जब भी आप ड्रॉ करते हो ना तो सोच समझ के ड्रॉ करने का, ये आउटलाइनिंग कोई काम का नहीं है, उसको डिलीट कर दो।
ये आपको परेशान करते रहेगा। और इसका डक है ना, ये यहाँ पे है, इसका कंपल्सरी कि सबका सेंटर में डक हो, तो वन सपोर्ट टाइम इसको भी डिलीट कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे व्हाइट बॉल रख देते हैं, देखो ये है ना, गलती होगी ना, ये लेयर है तो इसको राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो। अभी यहाँ पे हम व्हाइट बॉल रख देते हैं, कलर चेंज करके थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। देखो तो जिसे ये सब एवरी टाइम नहीं करना हो तो सर्कल पे सिलेक्ट करो और यहाँ से जो आउटलाइनिंग हमने रखा था ओके उसको अन चेक कर दो, तो आपको एवरी टाइम ट्रबल नहीं करना पड़ेगा, ये ट्रबल नहीं करता। ये आउटलाइनिंग निकाल दो, हो गया। ये ट्रांसफॉर्म है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पे टॉप पे ले लेते हैं। इसके लिए ये मूवमेंट करने के लिए हमने ये पॉइंट्स रखे हैं, तो अब जो भी एक प्रैक्टिकल बना रहे हो तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप क्या एक्चुअली बनाना चाहते हो, कैसे डिजाइन करना चाहते हो, तो पूरा माइंड में, जैसे हमने चैप्टर नंबर वन के अंदर ये सब क्लैरिफाई किया था, कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले ये सब कुछ क्लैरिफाई करना है। ओके, तो हम ये शेप हमने सब कुछ डिजाइन करके बना लिया। अभी आउटलाइनिंग में भी हम करना चाहते हैं तो देखो ये यहाँ पे इफेक्ट लाते हैं, ये सेंटर में रख देते हैं, ऐसा वर्टिकल था ना, तो यहाँ पे एग्जिस्ट सेंटर में रखते हैं और उसको शेप यहाँ पे रख देते हैं हाफ हाफ। ओके, अभी हम थोड़ा सा एनिमेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, सेव करते जाना, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी भी ये सॉफ्टवेयर बंद हो सकता है, तो रिकवरी करने के लिए। अभी देखो कल हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था, कैरेट एडिट प्रॉपर्टी, टाइमिंग पे चले जाइए, यहाँ पे ज्यादा सेकंड नहीं रखने का क्योंकि कंप्यूटर हैंग होने लगता है, 2 सेकंड रखिएगा। और यहाँ पे लिख सकते हो चैप्टर नंबर 2, ओके okay. और यहाँ पे लिख सकता हूँ डांसिंग डॉल, ओके अप्लाई कर दिया, ओके okay कर दिया, बस हो गया। एडिट मोड ऑन करना कंपलसरी है, भूलना नहीं है, यहाँ पे एडिट मोड ऑन करिए। तो ये सब कुछ उसके बारे में भी हमने क्लैरिफाई किया था, जिसे एडिट मोड ऑन करोगे तो आउटलाइनिंग क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए टाइमलाइन क्लिक, ये सर को यहाँ पे मूवमेंट करता हूँ, टाइमलाइन क्लिक, ओके इस सर्कल को यहां से मूव करता हूं, अगेन टाइमलाइन क्लिक, देखो उसकी इफेक्ट देखना, ये यहां पे आ रहा है, सेम टाइमलाइन क्लिक पे करता हूं और ये इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। मैं ओनली फॉर यहाँ पे देखो लाइव रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एक एक ऑब्जेक्ट को मैं मूव कर रहा हूँ, अगेन टाइमलाइन क्लिक कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिया, अगेन टाइमलाइन क्लिक करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे लिया, टाइमलाइन क्लिक ऑब्जेक्ट, जब हम प्ले करते हैं तो उसकी अलग इफेक्ट आती है। अगेन टाइमलाइन को क्लिक करते हैं, इसको वापस बाउंस किया, सेम इसको भी बाउंस किया, यहां पर भी इसको भी बाउंस किया, यहां पर भी हो गया। अभी देखने यहां पे अगेन टाइमलाइन क्लिक करते हैं, यहां पे गया, ये उसके टॉप से चला गया, एग्जिस्ट सेंटर मैंने इसके लिए रखा है, अगेन टाइमलाइन क्लिक। तो ये सब ऐसे आपको क्रिएटिविटी डिजाइन करना पड़ेगा, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, पर एक बार आप प्रैक्टिकल स्कूल के अंदर दिखाते हो तो मैम ऐसे वाव तो बोल ही देना चाहिए। ओके यस, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने प्रैक्टिकल किया है तभी मैं समझूंगा आपने एक्स्ट्रा स्टडी किया हुआ है। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकल्स आपके सामने में आपको भी परफॉर्म करना होगा, इसके बाद ही मैं स्कूल के अंदर आपको फ्री होने दूंगा, तो आप इस स्कूल के अंदर प्रैक्टिस करो, तो विद इन 2025 इसके अंदर ये सब परफॉर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे ओवर कर दिया, ओके ये तो ओनली फ्रॉम ने बॉल का मूवमेंट किया, अभी हम थोड़ा सा फेस का वो सब मूवमेंट भी करते हैं। देखो मैं यहाँ पे टाइमलाइन क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये स्टार्टिंग किया था टाइमलाइन क्लिक, तो यहाँ पे देखना, ओके यहाँ पे टाइमलाइन क्लिक करते हैं,
वेन टाइमलाइन क्लिक कर दें, तो ये सब कुछ क्रिएटिविटी आप डिजाइन कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे क्लैरिफाई करते हो। कंपलसरी नहीं होता इसमें से कुछ भी कि ये सब क्रिएटिविटी है, मिस मैं भी आपके सामने कुछ नया आइडिया लेके कुछ ना कुछ डिजाइन करता हूँ, पर उसके लिए मुझको क्या होना चाहिए, मेरे जितने भी टूल्स है टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, खत्म हो गया। और कुछ भी नहीं होगा तो भी चलेगा, रिमोट ऑफ। ओके अभी हम वापस टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं, ये लेग को मूवमेंट चेंज करते हैं, 1 सेकेंड को इसको हम मूवमेंट करते हैं, वापस ये 2 सेकेंड को इसको मूवमेंट करते हैं यहाँ पे, वापस यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके वापस मैं यहाँ पे दोनों के बीच में एक लिक को साइज लेस करते हैं, सेंटर में इसको वापस रेडी कर देते हैं और उसको माइनस करते हैं। तो देखो ये मूवमेंट इसके लिए मैंने करवाई, वापस करते हैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, वापस यहाँ पे साइज लेस कर देते हैं, तो ये तो टच है ही, वापस यहाँ पे मूवमेंट करते हैं और उसको डाउन कर देते हैं यहाँ पर से, यहाँ पे लास्ट मूवमेंट पे लेग टच हो जाएगा। सेम यहाँ पे वापस हैंड की मूवमेंट पे, जैसे ये यहाँ से ट्राई किया तो यहाँ से ऐसे ट्राई कर रहा है, अभी ये थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये यहाँ से ट्राई कर रहा है, यहाँ पे किया, एग्जिट मूवमेंट होना चाहिए पर मैं अभी एग्जिट ट्राई नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे वापस ये डाउन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे बॉल टच होने वाला है वापस उसको होल्ड करने की ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम होल्ड करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके इसके बाद यहाँ पे और भी हम मूवमेंट कर लेते हैं, 0 सेकंड पे ये आइस को घुमाते हैं, वन सेकंड पे चले जाते हैं, वापस इसको घुमाते हैं, ओके देखते हैं अभी क्या मूवमेंट किया है, क्या चेंजेस किया है, हम यहाँ पर भी इफेक्ट ला सकते हैं, थोड़ा फनी बना देते हैं, अभी क्या बन रहा है वो मुझको भी नहीं मालूम, मैं आपके सामने डिजाइन करते जा रहा हूँ, अभी इफेक्ट तो जब देखेंगे तब समझ में आएगा। एडिट मोड ऑफ, सेव करते हैं, प्रैक्टिकल को प्रीव्यू में जाके चेक कर लेते हैं, डायरेक्टली मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूं, तो आपको यहाँ पे 100% की जगह पे 200 कर दीजिए, ये लूप का जो प्रोसेस है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, प्ले करके देख लें। आई होप आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है, समझ में भी आ रहा है ये कैसे डिजाइन करना है, कैसे परफॉर्म करना है। यस यार, हो
ओके, तो ये हो उसका मेन यूज, मेन यूज। ओके, तो ये पूरा प्रैक्टिकल का आपको परफॉर्मेंस हो गया। अभी मैं आपको जो स्टडी करवाना चाहता हूँ यहाँ से चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करें, सेव करते जाइए।
बाय।